नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं आज की खबर पर। विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया, जिसकी कई दिनों तक पुलिस तलाश तक नहीं कर पाई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा के साथ थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गिरफ्तार नहीं किया, नामजद रिपोर्ट है। मुरवास में अल्पसंख्यक वर्ग की बच्ची को लेके उसका पिता 4-5 दिन से जिला और भोपाल में फिर रहा है। उसकी भी रिपोर्ट लिखने से मना कर दी गई और कहा कि तेरे थाने में जा भाई, कार्रवाई होगी और तू तो गांव छोड़ दे, ऐसा वहां की महिला जिम्मेदार अधिकारी ने कहा। इसकी मैं निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली क्या रही? लापरवाहीपूर्ण। क्या कदम आगे उठाएंगे अगर ये अगर हमारे जो संगठन आगे मार्गदर्शन देंगे वैसे कदम उठाएंगे? साइबर की मदद से भी किया जा रहा, हमारी दो पार्टी ऑलरेडी बाहर गई थी जो ललितपुर वगैरह में कैसे इन्वेस्टिगेट करने में स्वाभाविक तौर में इसमें थोड़ा समय लगता है। कार्यकर्ताओं को इसी क्या जरूरत पड़ी, आधा घंटे चक्का जाम लगाकर यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा, क्या पुलिस की लापरवाही इसमें रही? पुलिस की कोई लापरवाही नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस बहुत जल्दी से इस चीज़ को ट्रेस करेगी। विदिशा से विद्रोही की रिपोर्ट।